हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ न्यू चैप्टर दैट इज़ अ इंडिया स्प्राइड मंगलयान और दिस लेसन इज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज दैट प्रजेस द एबिलिटी टू लॉन्च रॉकेट्स इनटू स्पेस कि जो इंडिया है हमारी कुछ कंट्री में से एक है जिसमें मतलब कि एक एबिलिटी है जो रॉकेट्स को स्पेस में जाने के लिए लॉन्च करता है और द कंट्री हैज़ एम्बिशियस स्पेस प्रोग्राम दैट इंक्लूड स्टडिंग द प्लान्ट ऑफ द सोलर सिस्टम एंड एक्सप्लोरिंग द मिस्ट्रीज ऑफ आउटर स्पेस बियंड और जो हमारी कंट्री है इसमें मतलब कि बहुत सारे एम्बिशियस स्पेस प्रोग्राम है जिसमें जो इंक्लूड करते हैं जिसमें सोलर सिस्टम के प्लान की स्टडी को और मिस्ट्रीस जो आउटर स्पेस में जो जो मिस्ट्रीज हैं उसको एक्सप्लोर करता है वाई स्पेस एक्सप्लोरिंग एशियन सो इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड और क्योंकि जो स्पेस को एक्सप्लोर करना इतना इंपॉर्टेंट है हमारे वर्ल्ड में ओके रीड एनजॉय देन इंडिया लॉन्च द मार्सि ऑर्बिटर मिशन एमओएम के फुल फॉर्म हमें याद रखनी है मार्स ऑर्बिटर मिशन और मंगलयान ठीक है ऑन नवंबर फाइव टू थाउजेंड थर्टीन इट वॉज इन अ प्राउड मूवमेंट फॉर द नेशन कि हमारे नेशन का एक प्राउड मूवमेंट था जब एमओ एम को लॉन्च किया था मिशन मेड इंडिया वन ऑफ इज द ओनली फोर कंट्रीज टू हैव रीच्ड मार्स और फोर कंट्रीज में सिर्फ एक कंट्री थी जो हमारी इंडिया थी जो मार्स पे पहुंची थी एंड फर्स्ट टू सक्सीड इन इट्स वेरी फर्स्ट अटेम्प और फर्स्ट थी जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सीड हुई थी इट इज ऑल्सो द चीपेस्ट मार्स मिशन है और मतलब कि एवर मतलब कि ये फर्स्ट था जो चीपेस्ट था मतलब कि मिशन था मार्स से पहुंचने के लिए लेट अस लर्न मोर अबाउट इंडिया इज एक्साइटिंग रॉन ठीक है इसकी जो प्रनाउनशिएशन है वो क्या है हमारी रॉन एंड विद द रेड प्लेट रॉन्डेवी का मतलब मीटिंग्स होती हैं ठीक है थीके? थोड़ा सा इसका ध्यान रखना इसकी प्रनाउनशिएशन क्योंकि मैंने भी चेक करके आपको बताया है इसमें जो जेड होता है वो सा, सा, साइलेंट होता है ओके okay. एंड uh, तो ये मतलब कि क्या है इसके बारे में जो मतलब कि जो रेड प्लेनेट की मीटिंग के बारे में ये करना भी uh, मतलब कि एक्साइटिंग uh, है थोड़ा सा ये हम इस लेसन में अब रीड करते हैं कि कैसे ओके लेट्स बिगिन दिस चैप्टर द मार्स ऑर्बिटर मिशन ठीक है मंगलयान या मार्स क्राफ्ट फ्रॉम मंगला मार्स एंड याना मीनिंग मीन्स क्राफ्ट और व्हीकल इज द नेम ऑफ ए स्पेस प्रॉब लॉन्च्ड बाय द इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ठीक है इसरो के फॉर्म क्या हैं इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द एमओ एम प्रॉब वॉज लॉन्च एट टू थर्टी पी एम ऑन फाइव नोवेबर टू थाउजेंड थर्टीन ऑन अ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फ्रॉम द सेटेलाइट धवन स्पेस सेंटर इन द श्री आंध्र प्रदेश की, ठीक है कि की जो ये हमारा मतलब ये टाइमिंग हमें याद रखनी है डेट हमें पता है कि पोलर सेटेलाइट लॉन्च विकल है जिस कहाँ से है स्तीश धवन स्पेस सेंटर है शिहर कोटा में आंध्र प्रदेश में ठीक है मंगलयान इज इंडिया फर्स्ट हमारी जो फर्स्ट इंटरपलेटरी मिशन है इंटरप्लेटरी मिशन का मतलब क्या होता है कि रिलेटिंग ट्रैवल बिटवीन प्लानट्स ठीक है एक फर्स्ट ऐसा जो मिशन है जो मतलब कि ट्रैवल प्लानट uh, के जो बीच में जो ट्रैवल करते हैं उसे रिलेट करता है द इंडिजिनस बिल्ड स्पेस प्रॉब हैज़ बीन इन मार्शन ऑर्बिट सिंस टू ट्वेंटी फोर सेप्टेम्बर टू थाउजेंड फोर्टीन ठीक है तो इंडिजिनस का मतलब क्या होता है जो लोकली जिस कंट्री में जैसे यह दिया हुआ बिल्ट लोकली विद इन द ठीक है बिल्ट का मतलब कंट्री जो किसी कंट्री में लोकल ही जो चीज बिल्ट होती है ठीक है वो सर्च थी ये मार्शन में ही थी मार्शन ऑर्बिट उसमें ही थी ऑर्बिट में ही थी ट्वेंटी फोर सेप्टेम्बर टू थाउजेंड फोर्टीन में ठीक है दिस इज टूली रिमार्केबल अचीवमेंट कंसिडरिंग द ट्रेस ट्रैक रिकॉर्ड सो फार और ये मतलब कि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ठीक है जब मतलब कि इसको ट्रैक रिकॉर्ड किया गया था नियरली हाफ ओल अटैम्प्ट मिशन ऑफ टू मार्स हैव फेल्ड कि अब तक के जितने भी मार्स पे जो मतलब कि हुई थी मतलब किए थे मिशन वो सब फेल हो गए थे द फॉर्मर सोवियत यूनियन मेड द वर्ल्ड फर्स्ट अटैम्प्ट इन नाइनटीन सिक्सटी और ये फर्स्ट टाइम कब मतलब अटैम्प्ट किया गया था नाइनटीन सिक्सटी में किया गया था बट द सेटेलाइट डिड नॉट गेट फार अवे फ्रॉम द अर्थ जो हमारी अर्थ से यह सेटेलाइट ज़्यादा दूर तक नहीं गई थी द यूनाइटेड स्टेट हैड द फर्स्ट सक्सेसफुल मिशन फॉर स लेटर और फोर ईयर्स लेटर मतलब कि जो हमारा यूएस था वो उसने फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट था मतलब मिशन था वेन ए फ्लाई बाय सेटेलाइट ठीक है फ्लाई बाय सेटेलाइट का मतलब क्या होता है स्पेस क्राफ्ट ओवर अ पर्टिकुलर प्लेस इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड डिटेल्स अबाउट अ प्लेनेट की जहाँ पे सारी डिटेल रखी जाती है प्लेनेट्स की ठीक है मारीनर फॉर भीम ट्वेंटी वन इमेजेस ऑफ द रेड प्लैनेट सर्फेस बैक टू भीम क्या होता है सेंट अर्थ ठीक है तो इसमें क्या है हमारा कि भाई जो भी जो मारिनर है ठीक है फोर उसमें जो मतलब कि जो सेंड की गई थी ट्वेंटी वन इमेज सेंड की गई थी रेड प्लैंड सर्विस है जो अर्थ से एंड सिंस देन तब से मोर देन हाफ ऑफ द फोर्टी वन हैव इन फेल्ड फॉर द मायरेड ऑफ रीजन इंक्लूडिंग रॉकेट मल फंक्शन रेडियो फेलियर फ्यूअल ट्रबल एंड मिस्ड लैंडिंग्स और तब से क्या हुआ कि फोर्टी वन जो किए गए थे ना मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए उसमें से काफ़ी जो फेल हुए थे कभी किसी का रॉकेट प्रॉब्लम आ जाती थी रेडियो फेलियर आता था फ्यूल की प्रॉब्लम आ जाती थी ये लैंडिंग प्रॉब्लम आ जाती थी कोई ना कोई रीज़न करके क्या होता था कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया पायटन इंडिया दस बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू पुट अ स्पेस क्राफ्ट इन ऑर्बिट अराउंड एन अदर प्लैनेट ऑन इट्स फर्स्ट अटैम्प्ट और इंडिया ये कैसी फर्स्ट कंट्री बनी जो फर्स्ट अटैम्प्ट में जो इस प्लानट पे सक्सेसफुल रही भेजने में इन द प्रोसेस इट ऑल्सो बिकम द फोर्थ इन द वर्ल्ड आफ्टर द रोस्कोमो सोवियत यूनियन नासा एंड द यूरोप स्पेस एजेंसी टू गेट टू द प्लैनेट और वर्ल्ड में अगर ऑब्जर्व करें तो फोर्थ पार्ट फोर्थ नंबर पे है वट्स मोर इंडिया अकम्पलिश दिस फीट ऑन ए स्मॉल बजट ऑफ जस्ट ऑफ जस्ट फोर पॉइंट फाइव बिलियन रुपीज और यूएस सेवेंटी फाइव डॉलर मिलियन और अगर प्राइस में भी देखें तो भी सबसे चीपेस्ट है दिस इज़ लेस देन द बजट ऑफ साइंस फिक्शन ब्लॉक बस्टर्स लाइक द मार्शन्स और ग्रेविटी ठीक है जितना बजट जैसे और उसमें लगा हुआ है ना मतलब कि उसमें मिशन को सक्सेसफुल करें मार्शन्स में ग्रेविटी में उससे कम है मोरवीट टू इंडिया साइंटिस्ट लेस देन टू ईयर्स टू बिल्ड द स्पेस क्राफ्ट और स्पेस क्राफ्ट बनाने में भी कम से कम टाइम लगा टू ईयर से भी कम टाइम लगा चाइना रेफर टू इंडिया सक्सेसफुल मंगलयान एज द प्राइड ऑफ एशिया और चाइना ने इंडिया को बात बोली है मंगलयान के लिए कि वो प्राइड ऑफ एशिया है India had long nurtured the idea of exploring Mars, but it was only 23 November 2008 that an unmanned mission to Mars was announced by the ISRO chairman G Madhavan Nair. ठीक है, तो India ने ये मतलब कि ये idea को explore करने के लिए Mars का explore करने के लिए तो जो date थी वो क्या थी वो it was only 23 November 2008 ठीक है थर्टीन में तो हो ही गया टू थाउजेंड एट डेट एट अनमैड मिशन अनमैड मतलब कि जो भी अभी तक मैन वहाँ पे नहीं गया है इस मिशन में मार्स पर तो ये अनाउंस किया गया था कि किसने अनाउंस किया था इसरो ने चेयरमैन था जी माधवन नेर ने एंड मो मिशन कॉन्सेप्ट बिगिन विद अ फिजिबिलिटी स्टडी इन टू थाउजेंड टेन बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी आफ्टर द लॉन्च ऑफ लूनर सेटेलाइट चंद्रयान एंड वन इन टू थाउजेंड एट ठीक है और टू टू थाउजेंड टेन तक क्या हुआ कि जैसे जब स्टडी की गई इसकी एमो एम की कॉन्सेप्ट की हमारी तो उसके बाद मतलब कि उसे मतलब कि इससे लॉन्च होने से पहले क्या हुआ कि चंद्रयान वन आया टू थाउजेंड एट में और जो प्रोजेक्ट वाज अप्रूव्ड ऑन थ्री अगस्त टू थाउजेंड ट्वेल्व और ये प्रोजेक्ट अप्रूव भी हो गया था थ्री अगस्त टू थाउजेंड ट्वेल्ल में बाय दन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ठीक है किसने किया था चंद्रयान वन को सक्सेसफुल मतलब कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने The Indian Space Research Organisation, the group that the built Mangalyaan, was formed in 1969. और जो एक group था Mangalyaan वाला 1969 में establish हो गया था same year as the Apollo 11 moons landing. कि जब मतलब कि ये हमारे उसी time में ही जो हमारे Apollo में 11 moons land किए थे, ठीक है? ये line यहीं से है ना हाँ जी, यहीं से ही है. At that time, India had been independent for a mere two decades. और two decades के बाद जो हमारा India है वो जब इंडिपेंडेंट हो गया था रैपिडली मॉडर्नाइजिंग एंड ईगो टू एस्टेब्लिश सेंस ऑफ सेल्फ लाइंस और जब हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी तो तब से ही मतलब कि सेल्फ डिपेंडेंट होने लगा था द लीडर्स ऑफ द कंट्री अंडरस्टूड दैट द इन्वेस्टिंग इन स्पेस वुड हेल्प इम इंडिया बिल्ड अ टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मोनिटरिस वैदर् सर्वे एग्रीकल्चर नेचुरल रिसोर्सेज कंडक्ट बेसिस साइंटिफिक रिसर्च और जब इंडिया मतलब कि जैसे इंडिपेंडेंट हो गया था तब से सेल्फ डिपेंडेंट बनने की ईगरनेस हो गई थी तो जो लीडर थे कंट्री के उनको समझ में आ गया था कि पूरे स्पेस को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा अगर मतलब कि टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है वेदर को देखना है सर्वे करना है एग्रीकल्चर को नेचुरल रिसोर्सेज में यह साइंटिफिक रिसर्च करनी है तो ये सब स्पेस पर जाना जरूरी है तो टू दिस डे इसरो गोल इज़ टू यूज़ स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजी टू फॉस्टर नेशनल डेवलपमेंट और उस दिन से जो इसरो का जो गोल था ठीक है वो यही था कि स्पेस बेस्ड मतलब कि की, की टेक्नोलॉजी का मतलब कि नेशनल डेवलपमेंट में ध्यान दिया जाएगा ठीक है एनकरेज किया जाएगा प्रमोट किया जाएगा इसरो इज़ इस प्रेजेंटली वन ऑफ जस्ट सिक्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन राउंड द वर्ल्ड और इसरो क्या है उन सिक्स जो, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उनमें से एक है हमारे वर्ल्ड में जो डिज़ाइन करती है लॉन्च करती है रिकवर करती है सेटेलाइट्स को और अप्रेट करती है जितनी भी स्पेस रिलेटेड सर्च होती है मोम कैरेट ठीक है जो हमारा ये जो मंगलैन वाला जो ऑपरेशन है तो उसमें वो एट्टी फाइव के जी ऑफ फ्यूल होता है फाइव साइंस पेलोड्स होते हैं पेलोड्स का मतलब क्या होता है वेट ऑफ थिंग्स जितनी चीजों का वेट होता है ठीक है एक्चुअल जो वेट होता है हमारा फिफ्टीन के जी होता है दिस इंक्लूड्स अ मार्स कलर्स कैमरा विच वॉज यूज टू स्टडी द मार्शल सरफेस को मतलब कि स्टडी करने के लिए यूज़ कर है एटमोस्फेयर सिज द स्पेस प्रॉब एंटर द ऑर्बिट सक्सेसफुली कि उसको कि ऑर्बिट पे जाने के लिए मैं स्पेस पे जाने के लिए इसको जो एटमोसफियर वगैरह चेक करते हैं ठीक है एंड देन इंडिया मंगलयान मिशन इज एम एम्ड एट स्टडिंग द मार्शियन एटमोसफियर और जो इंडिया का जो मंगलयान मिशन है वो उसका एम क्या है कि मार्शियन का जो, जो मंगल ग्रह का जो एटमोसफियर है ना उसको स्टडी करना है उसका जो ऑब्जेक्टिव है ये एक्सप्लोर करना है कि जो रेड प्लैनेट सर्फेस होता है ना उसके क्या फीचर्स हैं क्या माइनोरोलॉजी है माइनरोलॉजी मतलब मिनरल्स रिलेटेड और क्या मॉर्फोलॉजी है एन एटमोसफियर है यूजिंग इन इंडिजिनस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट कि ठीक है इंडिजिनस मतलब क्या होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो मतलब कि वो यूज़ करके मोर्फोलॉजी uh, uh, का मीनिंग भी एक बार देख लेते हैं जो फॉर्म्स होते हैं स्ट्रक्चर्स होते हैं किसी भी चीज़ के ठीक है तो इसमें हमारा क्या था कि भाई जो हमारा क्रिएशन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे जो मंगलयान का वो क्या है कि टेक्नोलॉजी को हेल्प करना जिससे वो डिज़ाइन कर पाए मैनेज कर पाए ठीक है किस तरीके से मिशन को ऑपरेट करना है मंगलयान इज इक्विप्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट दैट विल ट्राई टू मेजर मिथेन इन द एटमोसफेयर मंगलयान का मतलब इस तरीके से बनाया गया इस इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जिससे वो मेजर कर सकते हैं कि एटमोस्फेयर में कितनी मिथेन है और दिस इज वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक्स इन द मार्स रिसर्च राइट और आज के टाइम सबसे हॉटेस्ट टॉपिक बन गया मेजरमेंट ऑफ अदर एटमोसफेयर कॉम्पोनेंट विल बी कम्पेयर विद अनदर स्पेसक्राफ्ट नेम्ड मावेन ठीक है उसे कंपेयर किया गया है इसको एम एंड मवेन वॉज लॉन्च बाय नासा और मवेन किसने कंपेयर किया था मवेन मतलब मार्स एंड एटमोसफेयर वोलेटाइल एवोल्यूशन और नासा ने लॉन्च किया था 18 नवंबर 2013 में टू एक्सप्लोर स्टडी करने के लिए मार्शियन एटमोसफेयर को मावेन रीच द मार्स ऑर्बिट ऑन 21 सितंबर 2014 और ये कब रीच करता अपने ऑर्बिट पर टू में द स्पेस प्रॉब विल एनेबल रिसर्च टू बेटर अंडरस्टैंड हाउ द प्लेनेट लॉस द बल्क ऑफ इट्स एटमोसफेयर बिलियन बाई ईयर एगो ठीक है जो मतलब कि बल्क में लार्ज पार्ट ऑफ क्वांटिटी जो स्पेस ने प्रॉप किया कि मतलब कि सर्च को मतलब कि सर्च करेगा स्पेस कि किस तरीके से और बेटर अंडरस्टैंड कर पाएगा कैसे जो प्लानेट है वो अपना बहुत सारा जो एरिया एटमॉस्फेयर बिलियंस में पहले ही अपना गुम कर चुका था इट विल ऑल्सो हेल्प टू डिटर्मिन और ये हेल्प भी करेगा डिटर्मिन कर, करने में कि, कि किस तरीके से जो क्लाइमेट है वहाँ पे किस तरीके से और नॉट इट वॉज ए कंड्यूसिव टू लाइफ किस तरीके से लाइफ के लिए मतलब कि राइट right कंडीशन नहीं है और इस कंडीशन मिशन विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व द मार्श एंड मून जो फोबोज है ठीक है उसके अलावा जो हमारा ये मिशन है ये एम ओ एम वाला ये प्रोवाइड करेगा अपॉर्चुनिटी ऑब्जर्व करने के जो मंगल ग्रह पर जो मंगल ग्रह जो चंद्रमा है ठीक है उसमें जो फोबोज को जो मेन पार्ट होता है ठीक है मंगल ग्रह चंद्रमा का फोबोज है जो स्पेस क्राफ्ट इज बिंग ट्रैक्ड बाय द इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क और जो हमारा स्पेस क्राफ्ट है इसको ट्रैक किया गया इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क से भी जो लोकेट करता है कहा बेंगलुरु में ठीक है और कहां पे नासा के पास ठीक है फिर ये पूरा बता रखा जेपीएल डीप स्पेस नेटवर्क है विद बजट ऑफ जस्ट सेवेंटी फाइव मिलियन डॉलर इट इज द लीस्ट एक्सपेंसिव मार्स मिशन टू डेट कि ये सबसे कम एक्सपेंसिव वाला मार्स मिशन है जो हमारा आज तक का लो कॉस्ट ऑफ दिस मिशन हैज़ बीन टू लोअर वर्कर्स कॉस्ट कि इतनी लो कॉस्ट लगे इस मिशन पे जिससे मतलब कि लोअर वर्कर कॉस्ट लगी होम है होम ग्राउंड टेक्नोलॉजीज टेक्नोलॉजी सिंपल डिजाइन है एंड लाइटर प्लेट नासा एंड रीच मार्स ऑर्बिट आफ्टर ट्रेवलिंग टू हंड्रेड डेज थ्रू स्पेस ऑन ट्वेंटी फोर सेप्टेंबर टू ऑन ट्वेंटी एट सेप्टेंबर टू थाउजेंड सेंड द स्पेस फर्स्ट ग्लोबल व्यू ऑफ मार्स की इस डेट को जो 2014 में डेट दी है ट्वेंटी एट सेप्टेंबर को जो मोम ने फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट का जो ग्लोबल व्यू हमें देखने को मिला था इट हैज ऑल्सो कैप्चर्ड इमेज ऑफ द फार साइड ऑफ द डिमोस एंड द स्मोलर ऑफ द मार्स टू मूव ठीक है जो स्मोलर पार्ट है जो डिमोस है उसकी भी इमेज मिली हमें और इमेज जब कैप्चर की गई थी मार्स कलर कैमरा से तो ओवर द इयर्स जो एम सी सी हेज कैप्चर्ड ओवर नाइन हंड्रेड एटी इमेज दैट वर रिलीज टू द पब्लिक लोगों तक तो नाइन हंड्रेड एटीन इमेज मिली और जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो मिशन थे वो क्या हुआ हैज़ बीन दैट ऑफ डस्ट रोम्स कि किस तरीके से डस्ट रोम्स आए मार्शन सर्फिस पे जो राइज अप हुई थी हंड्रेड ऑफ किलोमीटर्स तक आफ्टर कम्पलीटिंग एट ईयर्स इन द मार्शन ऑर्बिट और जब एट ईयर्स कम्पलीट हो गए थे तो इसरो सैटेलाइट इज इन गुड कंडीशन एंड कंटिन्यू टू परफॉर्म इट्स टास्क एज एक्सपेक्टेड एंड द डिजाइन मिशन लाइफ वॉज ओनली सिक्स मंथ ठीक है तो जो इसरो सैटेलाइट थी अच्छी कंडीशन में थी कंटिन्यू किया उसने परफॉर्म करना है सारे टास्क जितने एक्सपेक्ट किया हमने जो डिजाइन मिशन थे उनकी जो लाइफ थी वो सिर्फ सिक्स मंथ के लिए थी जो मंगल लाइन है इस नो स्मॉल अचीवमेंट एक छोटी अचीवमेंट नहीं है हैज़ मेड एवरी इंडियन प्राउड हर इंडियन को प्राउड होता है इस चीज़ के लिए इट इज सीज एंटर पॉपुलर कल्चर और जिसमें मतलब कि पॉपुलर कल्चर भी बन गया है फायर द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल लोगों की इमेजिनेशन को भी बढ़ाया है इसने द तो मूवी है एक मूवी भी आई अब सभी ने देखी भी होगी मिशन मंगल स्टारिंग पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर अक्षय अक्षय कुमार ठीक है जो अक्षय कुमार की जो मंगल मिशन जो हमारी मूवी भी आई है रिलीज ऑन फिफ्टीन ऑगस्टीन टू टू थाउजेंड नाइनटीन में जो हमारी रिलीज भी हुई है एंड वो बेस्ड ऑन इंडियन मंगलैन ये मंगलैन के ऊपर ही बेस्ड है हमारी जो मूवी है द मेज ऑफ मंगल ऑल्सो फीचर ऑन द टू थाउजेंड रुपीज नोट और जो टू थाउजेंड रुपीज का जो नोट है उसके ऊपर भी है मंगलैन की जो इमेज हमारी एम ओ एम टीम वोन द यू एस बेस्ड नेशनल स्पेस सोसाइटी टू थाउजेंड फिफ्टीन स्पेस प्योनियर अवार्ड इन द साइंस इंजीनियरिंग कैटेगरी और इस टीम को एक मतलब कि यू एस बेस्ड नेशनल स्पेस सोसाइटी जो अवार्ड होता है मतलब कि इसमें टू थाउजेंड फिफ्टीन स्पेस प्योनियर अवार्ड है वो भी मिला है एन एस एस एट द अवार्ड वॉज गिवन एज अ इंडियन एजेंसी सक्सेसफुल एग्जीक्यूटेड मार्स मिशन इन द फर्स्ट अटैम्प्ट एंड द स्पेस क्राफ्ट इज एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद ए हाई ये क्या है हमारा अपोपोस क्या होता है जो पॉइंट जिस पे ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे बहुत दूर होते हैं हमारी ऑर्बिटिंग से जहाँ पे हाई रिजोल्यूशन कैमरा है इट इज टेकिंग फुल कलर इमेजरी ऑफ मार्स और जो हमारे एनएसएस ने कहा था कि जो अवार्ड है वो सिर्फ उसी को ही दिया जाता है उसे इंडियन एजेंसी को दिया जाता है जो सक्सेसफुली होती है मार्स को मिशन करने में फर्स्ट अटैम्प्ट में ही और जो मतलब कि हाई ऑर्बिट से भी मतलब सारी की सारी जो कैमरा से मतलब कि उसको कैप्चर कर लेती है और इट इज़ अ टेकिंग अ फुल डिस्क फुल डिस्क कलर इमेजरी ऑफ मार्स और पूरा मतलब कि मार्स की जो इमेजरी का फुल डिस्क कलर होता है वेरी फ्यू फुल डिस्क इमेजेस हैव एवर बीन टेकन आज तक की जो पिछला अगर रिकॉर्ड देखें तो उसमें से बहुत कम इमेजेस है ली गई हैं मोस्ट ऑफ एन अप्रोच टू बी द प्लानट सारी क्या है मतलब कि वही है जो प्लानेट तक पहुंच सकती है सिर्फ दिस इमेज विल एड प्लानटरी साइंटिस्ट ठीक है और जो ये इमेजेस होती हैं वो इस साइंटिस्ट को और भी ज़्यादा मतलब कि मतलब इंपॉर्टेंस देती है एंड इसरो नाउ प्लान टू डेवलप एंड लॉन्च अ फॉलो अप मिशन कॉल्ड मार्स ऑर्बिटर मिशन अब इसरो ने प्लान किया कि वो एक डेवलप करेगा न्यू फॉलो अप मिशन वो करेगा जिसमें मार्स ऑर्बिटर मिशन होगा ठीक है इन टू में इट विल हैव एन अपग्रेडेड ऑर्बिटर और इसमें क्या अपग्रेड होंगी चीज़ें एंड साइंटिफिक जो पेलोर्स हैं हंड्रेड के जी होगा नोटेबली मंगल एंड टू विल लॉन्च आफ्टर द फर्स्ट मार्स रोवर मिशन फ्रॉम चाइना एंड द यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड अलॉन्ग साइड नासा मार्स फ्लीट और जो ये हमारा इसके अलावा क्या होगा अपग्रेड होगा ये एंड जो साइंटिफिक लोड जो, जो होगा वो हंड्रेड के जी होगा और जो मंगल एंड टू होगा ना वो लॉन्च होगा फर्स्ट मास मिशन के बाद मेरे जो चाइना है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बाद ठीक है नो डाउट इस जर्नी अचीवमेंट विल बी वोस्ड विद ग्रेट इंटरेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड और बिल्कुल इसमें कोई डाउट ही नहीं है जो इसकी जर्नी होगी जो मंगल एंड टू होगा ठीक है और जो उसकी अचीवमेंट होगी वो पूरे वर्ल्ड में ही देखी जाएगी पूरे इंटरेस्ट के साथ ठीक है नोट क्या करना है टू अक्टूबर टू थाउजेंड टू इसरो रिपोर्टेड दैट इट हैड ला लॉस कम्युनिकेशन विद द मंगलयान एंड ऑफिशियली डिक्लेयर द दे मिशन डेड ऑन द थ्री अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की जो टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में टू अक्टूबर को इसरो ने रिपोर्ट किया था कि जो कम्युनिकेशन था मंगलयान से वो लॉस्ट हो गया और ऑफिशियली डिक्लेयर किया था कि जो मिशन है वो डेड हो गया मतलब मिशन वो सक्सेसफुल नहीं रहा जो थ्री अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को ठीक है अब मोम इज शॉर्ट फॉर्म मोम की अब फॉर्म हमारी क्या है आपने देखना है क्योंकि आपको चैप्टर बताया है मुझे बताओ आप इसका क्या है आपको देखो इमेज में दिख रहा है एंड मंगल एन वॉज लॉन्च फ्रॉम मंगल कहाँ से लॉन्च किया था हमारा एंड द प्रोजेक्ट वॉज अप्रूव्ड ऑन प्रोजेक्ट ये कब अप्रूव हुआ था एंड मंगल एंड वॉज बिल्ट बाय द मंगल एन किसने बिल्ट किया था हमारा ठीक है तो इसके आपने और एक वन मोर क्वेश्चन इस दिया मंगल इज इक्विप्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट दैट विल मेजर विच गैस इन द मार्शन एटमोसफियर ठीक है ये क्वेश्चन मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपने अगर चैप्टर अच्छे से रीड किया है अगर आपको चैप्टर समझ में हो तो डेफिनेटली आप इसके आंसर भी करोगे और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में राइट करके मुझे बताओ ठीक है और अगर, अगर, अगर आपको वीडियो अगर मतलब मैं मतलब थोड़ा क्वालिटी इशू तो रहेगा ही आपको क्योंकि मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है स्टैंड से वो थोड़ा सा मुझे फिट नहीं होता ठीक है अदरवाइज़ आपको वॉइस में क्लैरिटी होगी आप इसको अपनी बुक अपने पास रखो और उसको सुनो और अगर समझ में तो उसको दोबारा प्ले करो आपको डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा ओके बाय मीट यू नेक्स्ट वीडियो